हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 11 के छात्र हो तो ले म्यूजिक यानी संगीत का बिल्कुल रियल पेपर, ठीक है, या 50 नंबर का आपका होने वाला है। समय मिलने वाला है 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। संगीत का बिल्कुल रियल पेपर होने वाला है। म्यूजिक का आपका विषय को 318 रहने वाला है, ठीक है। कक्षा 11 मासिक अक्टूबर 2024 का रियल पेपर रहने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एक नंबर क्वेश्चन है, ताल में निःशब्द क्रिया कौन सी है? तो कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, सम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, क्रमित पुस्तक मालिका के लेखक कौन है? तो देखिए क्रमित पुस्तक लेखक कौन है ना, तो भातखंडे है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, ए इसका ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। तीन नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर एन आन राजन कौन सा वाद्य बजाती है? तो कौन सा, तो वायलिन, यानी कि तीसरा का क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चार नंबर क्वेश्चन है, राग देश की वादी समवादी क्या है? तो क्या है, रे और प हो जाएगा, यानी कि चौथा का क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ताकि उनका भी हेल्प हो जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चार ताल में कितने विभाग हैं? चार हैं, पाँच है, छः हैं या सात हैं? तो कितने हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा चार, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, राग केदार का ठाट क्या है? तो राग केदार का ठाट क्या है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए कल्याण, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर है, हिंदुस्तानी संगीत कितने ठाट है? 8, 10, 12 या 6? तो कितने हैं, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, आपका 10 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 का बी हो जाएगा। आगे तीव्र म का उच्चारण, ठीक है, प्रयोग किस राग में होता है? यमन में, काफ़ी में, विवाह में, ठीक है, भोपाली में, बिहाग में दिया, ठीक है, तो काफ़ी हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे है, रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 5, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, राग बिलावल की गायन समय क्या है? तो क्या है, तो प्रातः काल है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, आपका 11 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, किसी भी ताल की पहली मात्रा कहलाती है? तो क्या कहलाती है, तो ताली कहलाती है, यानी कि 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया है, तबले में चमड़े से मढ़ा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो मैदान कहलाता है, यानी कि 13 का क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 14 नंबर, राग भैरव का गायन समय क्या है? तो क्या है, तो दिन का दूसरा पहर, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, 14 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका यहाँ पर, और संपूर्ण जाति में किसी राग के आरोह में कितने स्वर हैं? 5, 6, 7, 12? तो कितने हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, 7 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, राग भोपाली किस जाति का राग है? संपूर्ण का, पांडव का, औड़ों का, औड़ों संपूर्ण का? तो किसका, तो पांडव का, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, राग काफी का गायन समय क्या है? प्रातः का, दोपहर, रात्रि का द्वितीय पहर, मध्य रात्रि के बाद? तो 17 का क्या हो जाएगा, मध्य रात्रि के बाद, यानी कि रात में, ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, गीत के दूसरे भाग को क्या कहते हैं? अस्थाई कहते हैं, अंतरा कहते हैं, संचारी कहते हैं, अभोग कहते हैं? तो क्या हो जाएगा ना, संचारी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, 18 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, दार द रात ताल की ताली किस मात्रा पर है? 1 पर, 2 पर, 3 पर या 6 पर? तो किस पर, तो 2 पर, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, पंडित सियाराम तिवारी किस शैली के गायक थे?
तो किस शैल के, तो लोकगीत के, किसके, तो लोकगीत, यानी कि 20 का क्या हो जाएगा ना आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 30 में 30 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, तो आप लोग ना बिल्कुल ना अंतिम तक बने रहिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे है, इस पताल की दूसरी ताली किस मात्रा पर है, एक पर, तीन पर, सात पर या दस पर, तो किस पर, तो एक पर, यानी कि 21 का क्या हो जाएगा ना ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे किस राग में दोनों माध्यम लगते हैं, तो किस में, तो यमन में, यानी कि 22 का क्या हो जाएगा ना ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, भैरव राग में कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं, 5, 6, 7 या 4, तो कितने होते हैं ना, तो देखिए 5 तो होते नहीं, ठीक है, 6 भी नहीं होते, 7 भी नहीं होते, कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, यानी कि 23 का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, अभिनव राग मंजरी पुस्तक के लेखक कौन है, पंडित पटवर्धन, ठीक है, पंडित अरवरनाथ ठाकुर, पंडित भातखंडे, पंडित रामाश्रय झा, तो राइट आंसर का पंडित रामाश्रय झा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, आपका किस राग के आरोग में ऋषम और धैर्य वर्जित है, भैरव में, भीम पलासी में, ठीक है, यमन में, देश में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यमन हो जाएगा, यानी कि 25 का क्या हो जाएगा ना ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे धमार ताल में खाली किस मात्रा पर है, 6 पर, 8 पर, 10 पर या 12 पर, तो किस पर, तो 8 पर, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आपका 30 में 30 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, तो वीडियो में ना बिल्कुल ना अंतिम तक बने रहिएगा। ठीक है, ठीक है, निम्न में से कौन पाखवज वादक है, तो कौन है ना, तो देखिए पंडित राम स्विस पाठक हो जाएगा, यानी कि 27 का क्या हो जाएगा ना ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर किस ताल में दो विभाग हैं, दीप चंदी में, तीन लाल ताल में, या रूपक में, या कहरवा में, तो किस में, तो तीन ताल में, यानी कि 28 का क्या हो जाएगा ना बी आपका आंसर हो जाएगा। उनतीस नंबर क्वेश्चन, सबसे तीव्र लय किसकी है, आलाप की, स्वर विस्तार की, तान की, बोल विस्तार की, तो देखिए आप जो चिल्लाते हैं ना बोल विस्तार उसी का हो जाएगा, यानी कि 23 का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है किस राग में ऋषभ गंधार धैत्व और निषाद कोमल है, भैरवी में, भैरव में, विराग में, या कॉफी में, तो किस में, तो देखिए इसका हो जाएगा भैरवी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। ठीक है, देखिए यहाँ तक आपका सारा क्वेश्चन करा दिया, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।